हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट में आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक है आपका पंप्ड कंक्रीट, है ना। पंप्ड कंक्रीट कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग आजकल कंस्ट्रक्शन करते हैं हाई राइज बिल्डिंग में, या फिर मास कंक्रीटिंग करनी होती है, तो जो फ्रेश कंक्रीट है ना। फ्रेश कंक्रीट कहने का मतलब है कि जो आपका कंक्रीट कंस्ट्रक्ट ये प्रिपेयर हुआ है, ठीक ना, अभी इसको मिक्स करके बनाया गया है, वो आपका फ्रेश कंक्रीट होता है, ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं, पंप्ड का, है ना। एक पंप होता है, ठीक है, जिसकी डाया लगभग 100 से 180 के एमएम के बीच में होता है, और उसके थ्रू कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वही होता है आपका पंप्ड कंक्रीट, ठीक है। आगे आपका एडवांटेज है, ये बोल रहा है एडवांटेज क्या, मोस्ट इफ़िशियंट है। इफ़िशियंट कैसे है कि जैसे जब कंक्रीट को पंप्ड करते हैं तो उसमें वेस्टेज नहीं होता है, और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, इसलिए इफ़िशियंट है। गिव्स गुड क्वालिटी कंट्रोल, है ना, बिल्कुल जो प्रॉपर आपका मिक्सिंग होता है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ में जो आपका जगह होता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसका क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, है ना। इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली साथ साथ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप सेकेंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं तो आप नीचे से कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वर्टिकली, और उसके बाद हॉरिजॉन्टली भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। वेस्टेज ऑफ कंक्रीट इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ कंक्रीट होता है, इसमें कंक्रीट वेस्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जो आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें आपका क्या इक्विपमेंट लगता है, कौन सी मशीनरी यूज होती है, उसके बारे में पढ़ना है। आइए हम लोग उसको देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो इक्विपमेंट है ना, मैकेनिकल कॉम्पैक्शन, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्लैब है ना, उसको कॉम्पैक्ट किया जा रहा है मैकेनिकल कॉम्पैक्शन के ज़रिए, तो ये भी एक इक्विपमेंट है जो कॉम्पैक्शन में यूज हो रहा है ना। यहाँ पे मैनुअल कॉम्पैक्शन है, मैनुअल कॉम्पैक्शन में देख रहे हैं कि एक रैमर है और दो पर्सन इसको उठा के बाय हैंड रैमिंग कर रहे हैं ना, ये हो गया आपका मैनुअल कॉम्पैक्शन। आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, क्रोबार है, कैजल और फावरा आप लोग जान रहे हैं बिल्कुल, वेज एक प्लेट है छोटा सा, और ये बोरिंग रॉड, ठीक है ना। इनका जहाँ यूज पड़ता है वैसे वैसे हम लोग यूज करते हैं। ये आपका आयरन पैन है, आयरन पैन में क्या करते हैं, जो भी आपका कंक्रीट बनता है या फिर सैंड है या फिर एग्रीगेट है उसको कैरी करता है ये, है ना। ये हैमर देख सकते हैं आप, ठीक है, ये स्पैड कंक्रीट को उठाने के लिए, ये मिक्स एक्स है डिगिंग करने के लिए, ये भी एक प्रकार का रैमर है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक ड्रैग लाइन एक्सकवेटर है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। क्या बोल रहा है ये कि इट इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग और बिलो ऑपरेटिंग लेवल इन द एक्सकवेशन वर्क ऑफ अर्थ। जैसे अर्थ होता है ना, अर्थ के एक्सकवेशन करने के लिए ड्रैग लाइन का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मशीन लगा हुआ है जो यहाँ से ड्रैग लाइन ऑपरेट होता है। इसमें देख सकते हैं कि ये केबल लगे हुए हैं, होस्टिंग केबल है ये, और यहाँ पर एक बैकेट लगा हुआ है,
ये आपका बूम है जिस पे होस्टिंग केबल और बकेट को सस्पेंस किया गया है। ये बकेट क्या करता है कि जैसे ये आपका सॉयल का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे बकेट अप्लाई होता है और ये यहाँ से इस तरह से मिट्टी को उठा करके और कहीं दूर दूसरे जगह पे प्लेस करता है ना। तो इस तरह से ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर का यूज होता है। ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर का मेन काम है कि अर्थ का एक्सकवेशन करना, मतलब डिगिंग प्रोसेस के लिए जैसे फाउंडेशन बनाना होता है उसके लिए हम लोग इसका ड्रैग लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे है आपका बैक ट्रेंच और हो एक्सकवेटर। इट इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच बिलो द ऑपरेटिंग लेवल। यहाँ पे देखिए ये फाउंडेशन डिगिंग करने के लिए ये आपका कौन सा इक्विपमेंट है, बैक ट्रेंच हो एक्सकवेटर है ना। बैक ट्रेंच हो एक्सकवेटर मेनली यूज किया जाता है फाउंडेशन डिगिंग के लिए। ये देख रहे हैं ये हो लगा हुआ है, ये बूम है और यहाँ पे मशीन्स लगे हुए हैं जिससे ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, आपका है आगे स्कीमिंग एक्सकवेटर। स्कीमिंग एक्सकवेटर का काम क्या है, इट इज़ यूज टू सरफेस एक्सकवेशन एंड लेवलिंग। इसका यूज सरफेस एक्सकवेशन मतलब सरफेस को ऊपर डिगिंग करने के लिए नहीं, ऊपर सिर्फ ऊपर का जो सरफेस है जैसे ये आपका सॉयल है ना, इसके सरफेस को सिर्फ ये डिगिंग करता है। ठीक है, सरफेस को एक्सकवेट करता है, ठीक है ना। और क्या करता है, नीचे देख सकते हैं कि द इक्विपमेंट लाइक हैमर नेल्स वेज एंड रिक्वायर्ड फॉर टिम्बेरिंग एंड स्ट्रटिंग। टिम्बेरिंग एंड स्ट्रटिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे देख सकते हैं टिम्बेरिंग एंड स्ट्रटिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जैसे आपने डिगिंग कर दी, ठीक है, आपने डिगिंग कर दिया, ये डिगिंग कर दिया तो हो सकता है कि यहाँ की मिट्टी बिल्कुल ये कोलैप्स कर जाए इस तरह, तो इसको सब टेम्पोररी सपोर्ट देने के लिए है ना, ये देख सकते हैं ये सपोर्ट की तरह है, इसको टेम्पोररी सपोर्ट देने के लिए भी यूज किया जाता है। टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग का मतलब यही है कि जैसे आप डिग करते हैं उसमें ये सॉयल का है ना किसी तरह का कोलैप्स ना हो, उसको टेम्पोररी सपोर्ट दिया जाता है, फिर उसे हटा लिया जाता है स्ट्रक्चर बनाने के बाद। आगे हम लोग चलते हैं, आगे है प्रिकॉशन एंड सेफ्टी मेजर। जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं आप तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सेफ्टी मेजर्स की, है ना, सेफ्टी मेजर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप सेफ्टी नहीं रखेंगे तो किसी भी तरह की इंजरीज या एक्सीडेंट की संभावना है। तो उससे बचने के लिए सेफ्टी मेजर क्या क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। यह बहुत ही रिक्वायर्ड इसेंशियल है किससे बचने के लिए, इंजरीज और एक्सीडेंट से बचने के लिए, ठीक ना। क्या बोल रहा है फिर, कीप द फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट क्या है आपका, फर्स्ट एड किट क्या है हम लोग देखते हैं उसको। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं हम, ये फर्स्ट एड किट है टेम्पोररी ट्रीटमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पोररी ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड किट बॉक्स। इसमें देख सकते हैं आप डिटॉल रखा हुआ है, ड्रेसिंग कॉटन है, ये देखिए कैंची है, ये बैंडेज है और ये सोफ्रामाइसिन टैबलेट का नाम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये CO2 है। CO2 का यूज क्यों करते हैं, तो फायर को बुझाने के लिए करते हैं, है ना। CO2 जब आग लगती है, आग लगने का कोई भी कारण हो सकता है जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया या फिर अदर रीजंस भी हो सकते हैं, तो उससे आग लगती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बोतल का या सिलेंडर का यूज करके उसको आग को बुझाया जाता है। और क्या है, कीप द इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर मतलब जैसे हेल्थ से जुड़ा हुआ या फिर पुलिस का नंबर, ऐसे नंबर्स आपको
आपके ऑफिस में रखने होंगे या फिर साइट पे भी लगा के रखने होंगे। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या हो गया, हेल्थ से जुड़ा हुआ, पुलिस का नंबर, फायर का नंबर और भी ऐसे चीज़ हैं जो आपको रखना पड़ता है। मेन थिंग क्या है कि ईच एंड एवरी स्टाफ शुड हैव पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। उसमें क्या क्या आता है, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स ETC, है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए हेलमेट है, ये आपका प्रोटेक्टिव फुटवियर है, आगे आप देख सकते हैं ये गूगल्स हैं, है ना, जो लगा के आँखों को प्रोटेक्ट करता है ये, और ये हैंड ग्लव्स हैं जो हैंड को प्रोटेक्ट करता है, फिंगर्स को आपके प्रोटेक्ट करता है। आगे है आपका प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन। प्री फैब्रिकेशन कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी बिल्डिंग का कंपोनेंट है या कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है, उसको उसका कंस्ट्रक्शन पहले ही कर लिया जाता है ना। उसका जैसे ये क्या बोल रहा है, ये जो कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसको कास्ट कर लिया जाता है इन फैक्ट्री या फिर ऑन द साइट। पहले कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसके बाद उसको असेंबल्ड किया जाता है। तो इन तीनों प्रोसेस को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, प्री फैब्रिकेशन या फिर प्री कास्ट बोलते हैं, ठीक है। प्री फैब्रिकेशन या प्री कास्ट क्या हो गया, कंपोनेंट को पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर असेंबल करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्री फैब्रिकेशन, दो तरह के मेथड हैं आपके पास प्री फैब्रिकेशन के, प्लांट प्री फैब्रिकेशन और साइट प्री फैब्रिकेशन। प्लांट प्री फैब्रिकेशन क्या है कि जो भी कंपोनेंट हैं कंक्रीट के, उनको फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, प्लांट प्री फैब्रिकेशन। और साइट प्री फैब्रिकेशन क्या है कि जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसको साइट पे ही बनाया जाता है, फैक्ट्री के अंदर नहीं बनाया जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं आपके, साइट प्री फैब्रिकेशन। यहाँ पे फैब्रिकेशन छूट गया है, प्री फैब्रिकेशंस, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवांटेज ऑफ प्री फैब्रिकेशंस। जो प्लांट प्री फैब्रिकेशन है और साइट प्री फैब्रिकेशन है, दोनों के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, ये देख लेते हैं। क्या है, इन लार्ज प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट कंपोनेंट, जैसे आपका फैक्ट्री में कंक्रीट कंपोनेंट बनता है तो ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन दी जा सकती है। कारण क्या है कि बिल्कुल एक सेटअप होता है आपके पास, वहाँ पे बिल्कुल एक अरेंजमेंट होता है, उसके ज़रिए आप ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यह टाइम को सेव करता है और कॉस्ट को भी बचाता है। टाइम को कैसे सेव करता है, क्योंकि एक ही जगह पे सारी चीज़ों को बनाना होता है तो वहाँ पे टाइम बचती है, और टाइम बचेगा तो मतलब कॉस्ट भी बचेगा आपका, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ऑफ एस्केप होल्डिंग इज यूज्ड, एक ही एस्केप होल्डिंग को बार बार यूज किया जा सकता है। ये कंक्रीट की क्वालिटी भी अच्छी होती है यहाँ पे, मतलब अच्छे ये मतलब जो भी कंपोनेंट बनाए जाएंगे उनका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होगा। ये यूजफुल होता है ओवर वाटर और अंडर वाटर, जब अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना होता है तब भी यूजफुल है, और ऊपर में तो यूजफुल है ही है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड स्पेशल शेप एंड सरफेस। जब हम लोग प्री कास्ट करते हैं तो उसमें जैसा शेप देना होता है वैसा हम लोग शेप भी दे पाते हैं, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे कंक्रीट की भी वेस्टेज कम होती है,
आपका नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज जो मेनली डिसएडवांटेज है वो आपका क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होता है और ट्रांसपोर्टेशन करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है, तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन इसका प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग है कि जब इस कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं तो उसको लिफ्ट करने में भी दिक्कत होती है, और जब दो कंपोनेंट को ऐड किया जाता है जैसे ये एक कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट, तो इन दोनों के बीच का जो जॉइंट होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है ना, तो ये सब डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।